वही वापस अपने टाइम पे आ चुका हूँ, कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसके बारे में। आज तो है ना एक भी टोल जो है ना मैंने क्रॉस नहीं किया, बल्कि जो है ना वो अर्निंग हुई है। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हो गाइस आप लोग? सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। और अभी के बज रहे हैं 6:10 और मैं हूँ अपनी पहली ट्रिप के। और सो ये ट्रिप है ब्रीच कैंडी की गाइस। वही वापस अपने टाइम पे आ चुका हूँ क्योंकि है ना अचानक से मॉर्निंग की शिफ्ट चेंज करने में ना भाई बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्योंकि क्या है, कल मैं निकला था सुबह को तो बहुत ही ज्यादा पूरे दिन मुझे नींद आई है, क्योंकि मेरा शेड्यूल सुबह आके दोपहर तक सोने का था और फिर रात भर जागने का था, तो ये रूटीन था मेरा। बट अचानक से मैंने चेंज किया तो इतनी ज्यादा नींद आ रही थी मुझे दिन में कल, सो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था मुझसे। सो अभी मैं वापस से अपने इवनिंग के टाइम पे आ चुका हूँ। सो बीच में एक दो दिन का गैप लूँगा, जब भी कुछ काम रहेगा छुट्टी होगी वो टाइम पे फिर शिफ्ट चेंज करूँगा तो अपना रूटीन चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल वापस से जो है ना यही रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे एकदम मस्त व्यू सनसेट होते हुए। ब्रीच कैंडी की ट्रिप मिली है मुझे पहली, सो एक्सेप्ट कर लिया मैंने, पहुँचता हूँ फटाफट, देखता हूँ आज कहाँ कहाँ पे जाता हूँ, कितनी अर्निंग होती है और कितना सीएनजी लगता है, क्या कुछ नया सीखने मिलता है गाइस। सो एंड तक देखना गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट जाके। टायर पे हवा कम लग रही है कि सही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई टायर पे हवा कम है? सही है, टायर तो सही है। पहुंच गया मैं अटल सेतु से आया था मैं, और टोल है ना रिफंड भी मिला है इसमें। टोल है ना 238 रुपीज ही रिफंड हुआ है। सो इसमें ना भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है क्योंकि टोल है 250 और रिटर्न मिल रहा है 238 रुपीज। सो पता नहीं भाई, ये बताना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी इसके बारे में भाई, 12 रुपए कम मिल रहे हैं इसमें। 45 किलोमीटर का है ना 546 रुपीज दिया है। अभी मैं है ना ब्रीच कैंडी में हूँ, सो अभी है ना यहाँ से कहाँ पे जाऊँ पता नहीं, देखता हूँ मैं। आगे की तरफ चलते है थोड़ा, मलाबार हिल की तरफ। 8 बज गए और है ना गिरगांव चौपाटी से काला घोड़ा फोर्ट ऐसा लिखा हुआ था, सो मैंने एक्सेप्ट कर लिए। उधर तक वैसे ही खाली जाने वाला था बट ये बुकिंग मिल गई, सो बुकिंग लेके जाता हूँ। कस्टमर को जो है ना जाना था फोर्ट के फेस्टिवल के, यहाँ पे काला घोड़ा फेस्टिवल चल रहा है अभी, सो वहाँ पे जाना था तो पहले उतर गए। और एक बड़ी अच्छी वाली बुकिंग मैंने उठाई है, लंबी वाली कांदीवली ईस्ट की, जो है ना पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया हूँ मैं। 2 घंटे के आसपास शायद लगेंगे, 8:30, 9:30 के आसपास मैं शायद पहुंचूंगा। सो देखो ऑलमोस्ट मैं पिकअप पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ। मैं ना पहुंच चुका हूँ कांदीवली ईस्ट में आकुरली के यहाँ पे, और ऑलमोस्ट जो है ना 11 बजने वाले, 2 घंटा लग गया। कितना अमाउंट दिया है? 793 रुपीज। आज तो है ना एक भी टोल जो है ना मैंने क्रॉस नहीं किया। पहली बुकिंग मिली मुझे जो कि मैं आया अटल सेतु से, सीधा साउथ बॉम्बे गया, वहां से एक बुकिंग की, फिर वहां से यहाँ पे आया। मतलब टोल का अवार्ड एक भी नहीं मिला गाइस आज। सो भाई टोल का अवार्ड भी कलेक्ट करना है क्योंकि पास है अपने पास, तो उसमें से भी जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना फायदा होना चाहिए डेली का डेली। अभी यहाँ पे देखते भाई, बुकिंग बजी थी एक लोअर परेल की, क्लिक किया वैसे किसी और को मैच हो गई। सो वेट करता हूँ यहाँ पे थोड़ा, या तो फिर हाईवे साइड तो जाके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हाईवे के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। चलो विले पार्ले देखते हैं गाइस बुकिंग मिलती है कि नहीं। मिल गई गाइस, विले पार्ले नौपाड़ा, मतलब ये ईस्ट की है। 11 तो बजी गए, ईस्ट की है। सो भाई उधर ही जा रहा था मुझे और ये ट्रिप मिल गई। वहां से मैं चले जाऊंगा टर्मिनल 1 या फिर 2 भी जा सकता हूँ, देखते कहाँ पे कितनी गाड़ी वेटिंग है वो देख के मैं जाऊंगा। सो 11:34 को है ना भाई टोकन में आ चुका हूँ मैं। 215 गाड़ी यहाँ पे है और 350 गाड़ी जो है ना वो टर्मिनल 2 पे है। सो मैं ना 1 पे ही आ गया, देखते अभी कितने बजे नंबर आता है अपना। ये अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले इसको जो है ना कंप्लेंट की थी उबर में कि 12:14 पे, और ये अभी 12:22 हो रहे हैं। सो मैंने भेजा था कि टोल का अमाउंट जो है ना 250 है, आप जो है ना सिर्फ 238 रिफंड कर रहे हैं। सो उन्होंने क्या रिप्लाई किया है कि ट्रिप को जो है ना वो रिव्यू किया गया है और मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक का टोल 238 रुपीज जो है आपके स्टेटमेंट में जोड़ा गया है, तो इसमें हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। सो ये जो है ना वो उबर में भाई कम पैसे मिल रहे हैं टोल के, ओला का पता नहीं बट उबर में कम पैसे मिल रहे हैं। कंप्लेंट की फिर भी उसमें कोई रिजोल्यूशन नहीं है। 250 ले रहे कस्टमर से, कुछ तो उसमें से अमाउंट थोड़ा बहुत कट कर रहे हैं और 238 ही रिफंड मिल रहा है अपने को। 11:36 को अंदर आया था मैं, बज रहे
12:26, 10 मिनट का टाइम बाकी है और गाड़ी जो है ना 75 और है वेटिंग में। थोड़ा जो है ना एक राउंड लगा के आना पड़ेगा। एक बज रहा है और है ना एक प्रायोरिटी बुकिंग ली है मैंने, अंधेरी ईस्ट की है, 3.5 किलोमीटर की बुकिंग है। सो इनको ड्रॉप करके है ना फटाफट मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में मैं रिटर्न आ जाऊंगा। सो वापस टर्मिनल 1 पे आ ड्रॉप कर दिया है मैंने, 10 मिनट लगा मुझे और 198 रुपीज दिया है 3.5 किलोमीटर का। और 3.5 किलोमीटर में वापस आ रहा हूँ, मतलब समझ लो 7 किलोमीटर का 198 मिला है मुझे 20 मिनट में। ये ऑलमोस्ट मैं पहुंच रहा हूँ, थोड़ा आगे चल के चालू करता हूँ जो है ना डायरेक्टली प्रायोरिटी अपने को ट्रिप मिलने वाली है। 2:10 हो गए, मैं पहुंच चुका हूँ डेस्टिनेशन पे, CNG भरवाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा ना, 2 बार बुकिंग बजी खारगर की, उसके बाद बुकिंग बजी एक पवई की। मेरा चौथा ऑप्शन एक ही बचा था और 1:20 तो हो चुका था। सो एक लास्ट बुकिंग जो भी आई वो एक्सेप्ट करनी ही थी। सो लास्ट बुकिंग बजी नेहरुल की और नेहरुल पहुंच गया मैं एक्सेप्ट करके। उबेर का पता नहीं भाई, रात के टाइम पे ना मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम उबर जो है ना मतलब घर की तरफ की ही ट्रिप देता है। मतलब पता नहीं क्यों कि भाई इसको घर पे भेजो कि क्या, उबर का सीन है ना, मतलब उसको पता है कि ये बंदा ये डायरेक्शन से लॉग इन करता है डेली, बहुत रात हो चुकी है तो इसको है ना घर पे भेजो। पता नहीं क्या फंडा है उबर का, बट जो भी है लास्ट ट्रिप थी तो एक्सेप्ट कर ली और नेहरुल पहुंच गया। अभी जा रहा हूँ CNG पंप के यहाँ पे भरवाने के लिए CNG। 2 पॉइंट पे आ चुका है CNG। अमाउंट कितना दिया है, 581 रुपीज दिया है 30 किलोमीटर का। सो काफी अच्छा रेट मिल गया है, अर्निंग भी जो है ना काफी अच्छी हो चुकी है। सो अभी मैं घर पे नहीं जाने वाला गाइस, मैं या तो नेहरुल में CNG पंप के आजू बाजू तो नहीं रुकने वाला हूँ मैं, क्योंकि भाई जुड में नहीं खड़े रहना है, क्योंकि पता है मुझे इसका फंडा, बुकिंग का जो फंडा है, बहुत सारे लोग एक साथ खड़े रहते हैं। सो वो जो ट्रिप है ना वो मतलब पता नहीं कैसे सिस्टम से आती है, बट जुड में खड़ा नहीं रहूंगा, या तो नेहरुल में अंदर की साइड कहीं पे आ जाऊंगा या फिर बेलापुर चले जाऊंगा। 2 पॉइंट था, 520 रुपये में फुल हुआ है। 4:30 बज रहे और मैं ना अभी घर पे हूँ, रेडी हो रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ लॉगिन करने के लिए। और भाई 7:30 बजे तक मैंने वेट किया, एक भी बुकिंग नहीं बजी। उसके बाद मैं घर पे आके सो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी गाड़ी में, पता है कि प्रॉपर तरीके से जो है ना नींद मिलती नहीं है। सो गाड़ी में मैं इधर उधर ऐसे हो रहा था, नींद आ नहीं रही थी, बुकिंग भी नहीं आ रही थी। आ गया मैं सीधा घर पे और फिर अभी जाके ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। सो कल की जो है ना वो अर्निंग हुई है 2485 रुपीज़ की। सो भाई परसों के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है। सो आज जो है ना इसको भी मैं क्रॉस करने की कोशिश करूँगा। सो अर्निंग काफ़ी अच्छी हुई है, एक ही टोल कवर हुआ है सिर्फ भाई, वो भी जो है ना आने के टाइम पे जब मैं नेहरू लाया ना तभी का जो है ना वो टोल काउंट हुआ है। उसके अलावा एक के अलावा कोई भी टोल अपने को कल मिला नहीं है। कल का दिन भी अच्छा था, आई होप कि आज का दिन भी अच्छा जाए। ब्लॉग को एंड करते गाइस, लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।